बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग आर्ट विद मिसबा। आज मैं बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी से अनियन रिंग बनाने जा रही हूँ, वो भी दो तरह से। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ये मैंने तकरीबन दो से तीन प्याज़ों के मैंने ये रिंग्स निकाल ली हैं, और इनको मैंने निकालने के बाद थोड़ी देर ठंडे पानी में डिप करके रखा था ताकि ये जो उनकी कड़वाहट है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद अब सबसे पहले हम जो करेंगे बेसन वाला बनाएंगे। ये मैंने तकरीबन हाफ कप बेसन लिया है, इसमें मैं हाफ टी स्पून से भी कम नमक डालूंगी, लाल मिर्च पाउडर हाफ टी स्पून, कुटी लाल मिर्च हाफ टी स्पून, कुटा हुआ ज़ीरा दो से तीन चुटकी, कुटा हुआ धनिया हाफ टी स्पून और थोड़ी सी काली मिर्च। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और अब इसमें पानी डाल के एक इसका फाइन सा हम बैटर तैयार कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह का फाइन सा बैटर मैंने बना लिया है, ये हमारा रेडी हो गया है। अब हम जो दूसरा तरीका है उसके साथ करते हैं, इसको मैं करती हूँ साइड पे। ये मैंने हाफ कप के करीब मैदा लिया है, और इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब मैं कॉर्नफ्लोर डालूँगी। हाफ टी स्पून कुटा ज़ीरा, हाफ टी स्पून काली मिर्च, एक टी स्पून भर के मैं डालूंगी लाल मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून कुटा हुआ धनिया और हाफ टी स्पून ही इसमें नमक ऐड करेंगे। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। चलें, ये हमारा मिक्स हो गया है। अब हमने क्या करना है, ये मैंने साथ ठंडा पानी लिया है, और ज़्यादा ठंडा भी नहीं लेना, आपने चाहे तो रूम टेम्परेचर पे भी ले सकते हैं। अब इसमें से एक रिंग को उठाएंगे और इसमें अच्छी तरह इसको मैदे के साथ कोट करेंगे, उसके बाद ठंडे पानी में डिप कर देंगे। और फिर से उठा के मैदे की कोटिंग करेंगे। अगर कम लगे तो एक दफा फिर डिप कर लेते हैं। दो से तीन कोटिंग हम इसकी करेंगे। ये देखिए इस तरह हम बाकी भी रेडी कर लेते हैं। ये मैंने हाफ अनियन रिंग जो है जो मैंने इस तरह से बना लिए हैं। अब बाकी पहले इसको हम इसको फ्राई कर लेंगे, उसके बाद हम बेसन वाले बनाएंगे। अब हम तेल हमारा गर्म हो गया है, अब हम इसमें अपने रिंग्स डालते हैं।
बस आपने गोल्डन ब्राउन होने तक इसको फ्राई करना है। इसके साथ साथ मैं याद दिला दूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। रिंग्स हमारे गोल्डन हो गए, अब हम इनको बाहर निकाल लेते हैं। ये देखें बहुत ही क्रिस्पी लग रहे हैं। अब जो बाकी की रिंग्स हैं, ये जो मैंने बेसन का पेस्ट बनाया था इसके अंदर हम जो अच्छी तरह से डिप करके एक एक करके इसमें डाल देंगे। बेसन वाले भी हमारे रेडी हो गए हैं, अब इनको भी हम प्लेट में निकाल लेते हैं। चलें जी, दोनों किस्म के जो हमारे अन्य रिंग्स हैं हमारे रेडी हो गए हैं, अब बारी है इनको डिश आउट करने की। बस ये निकालो, उसके बाद मैं इसको डिश आउट करती हूँ। ओके हैं हमारे मज़ेदार से अनियन रिंग्स, जो मैंने दो तरह के बनाए थे, ये बेसन वाले हैं और ये वाले जो थे ये मैंने कॉर्नफ्लोर मैदे के साथ बनाए हैं। ये देखिए बहुत ही क्रिस्पी बने हैं, आपको आवाज़ आ रही होगी। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। आप लोग भी रमज़ान में बनाइए और मज़े उड़ाइए और मुझे दुआ में याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।